हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर अयोध्या की पवित्र भूमि पर आज एक विशेष उत्साह है। आइए देखें कैसे इस ऐतिहासिक शहर में हनुमान जी राजा के रूप में पूजे जाते हैं। हनुमान गढ़ी मंदिर में, जहां हनुमान जी आज भी अयोध्या की रक्षा करते हैं, लाखों भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ उपस्थित होते हैं। मंदिर की प्राचीनता और इसकी वास्तुकला अद्वितीय है, जिसे अवध के नवाब ने 17वीं सदी में बनवाया था। इस पावन स्थल पर पहुंचने के लिए भक्तों को 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। प्रत्येक सीढ़ी उन्हें न केवल मंदिर तक ले जाती है, बल्कि उनके भीतर की बाधाओं को भी पार करती है। मंदिर में पहुंचने पर भक्तों को हनुमान जी के बाल रूप में दर्शन होते हैं, जो अपनी माँ अंजनी की गोद में विराजमान है। मान्यता के अनुसार प्रभु राम के अयोध्या लौटने पर उन्होंने हनुमान जी को अयोध्या का राजा बनाया था। आज भी हनुमान जी के बिना प्रभु राम के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इस मंदिर की भव्यता को नवाब सिराजुद्दौला ने और भी बढ़ाया, जब उनके पुत्र की बीमार के उपचार के बाद उन्हें मंदिर का विस्तार कराया। इस पावन अवसर पर अयोध्या की यह धार्मिक यात्रा हमें न केवल भक्ति की गहराई दिखाती है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विस्तार के साथ गहरा जुड़ाव भी प्रदान करती है। अयोध्या में हनुमान जन्मोत्सव का यह अनुभव हर भक्त को अपने आराध्य के निकट लाता है, उन्हें आध्यात्मिक संतोष और शांति प्रदान करता है। लोकल 18 अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।